92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी दूसरी मंजिल पार्ट वन, बिना किसी एड ब्रेक के। आधी रात हो चुकी थी और मेरी आंखों में नींद का कतरा तक नहीं था। मेरे बगल में रावी निश्चिंत सो रही थी। मैं कुछ देर तक करवट बदलता रहा, फिर उठ के बिस्तर पर बैठ गया। मेरे उठने पर रावी जरा सी कुनमुनाई, उसकी चूड़ियां जरा सी खनकी और फिर सब तरफ खामोशी छा गई। मैंने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और जग से सीधे ही पानी पीने लगा। पानी पीकर फिर लेटने को हुआ तो नजर रावी पे गई। वो अब भी बेसुध सोई हुई थी। दिल में एक तीस सी उठ गई। मैं उठकर बालकनी में आ गया। रावी और मेरी शादी सिर्फ 18 दिन पुरानी थी, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों के इस बोझ तले दबा हूं। पता नहीं किस्मत ने कैसा खेल खेला था मेरे साथ, और क्यों। किसी तालाब जैसा गहरा शांत मैं, और पहाड़ी नदी जैसी बेखौफ चुलबुली रावी, हम दोनों तो बने ही नहीं थे एक दूसरे के लिए। हमारी शादी में सबकी नजरें रावी पे टिकी हुई थी। वो दुल्हन थी, सिर्फ यही वजह होती तो कोई बात नहीं थी। वो सबकी नजरों का केंद्र थी, क्योंकि दुल्हन होते हुए भी हर चुहल पर सबसे ज्यादा खिलखिलाकर वही हंस रही थी, क्योंकि दुल्हन होते हुए भी सबके सामने बेझिझक नाच रही थी। वसुंधरा बहू तो बड़ी तेज ढूंढ के लाई तू। पड़ोस की विमला आंटी के इस व्यंग पे मौसी भले ही मुस्कुरा दी हूं, पर मैं अंदर तक तिलमिला गया था। दिल किया कि चिल्ला के कहूं कि ये वो लड़की नहीं है जिसको मैंने अपने लिए पसंद किया था, पर कुछ नहीं कह पाया। न तब कह पाया था और न तभी कह पाया जब मासी ने करीब करीब जबरदस्ती रावी को मेरे साथ यार शहर भेज दिया। जाने कितनी देर से मैं बालकनी में खड़ा यार शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देख रहा था। मेरे अकेलेपन से बेखबर पूरा शहर आराम से सोया हुआ था। नींद नहीं आ रही क्या, तभी पीछे से आवाज आई। मैं चौंक के पीछे मुड़ा, लगा जैसे निशा पुकार रही हो, लेकिन वहां रावी थी, घुटनों तक लंबी नाइट ड्रेस के ऊपर शॉल ओढ़े हुए। तुम क्यों उठ गई, नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे ही जरा बाहर आ गया था। मैं बिन मांगे ही सफाई देने लगा। कॉफी बनाओ, वो मुस्कुराई। इतनी रात को कॉफी? हाँ, रात को कॉफी पीते हुए गप मारने में बहुत मजा आता है। मैं और दादा तो कई बार बातें करते करते रात गुजार देते थे। मुस्कुराना जैसे उसके लिए सांस लेने जितना जरूरी था, पर उसकी मुस्कुराहट मुझको नश्तर की तरह भेद गई। अंदर से उबल आए गुस्से और अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश में मेरे चेहरे की नसें तन गईं। मुझे नहीं पीनी है कॉफी, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर यहां बैठूंगा, मैंने कहा, और शायद कुछ झल्लाते हुए कहा, क्योंकि मेरे बात करने के अंदाज से उसके चेहरे की मुस्कुराहट जरा जरा करके बुझ गई। उसका चेहरा देखकर मुझको गांव में नानी के उस घर के बल्ब की याद आ गई जो शाम को वोल्टेज घटने पर अक्सर झप झप करता हुआ अंधेरे में खो जाता था। समझता था मैं कि गलती रावी की नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी में उसने निशा की जगह ली थी, उस निशा की जिसको मैंने टूट के प्यार किया है, जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। निशा की जगह रावी कैसे ले सकती थी मेरी जिंदगी में। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। निशा को मैंने पहली बार अपने दोस्त राकेश की शादी में नहीं, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर देखा था। जून की तपती दोपहर में दहकते सूरज जैसा दिख रहा था उसका चेहरा। कॉटन की कलफ लगी साड़ी, जूड़े में कसे बाल, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, उसमें कुछ था जो उसको उस भीड़ से सबसे अलग कर रहा था। उसके एक हाथ में भारी सूटकेस था, दूसरे में बड़ा सा बैग, एक छोटा बैग और पर्स कंधे पर भी लटका हुआ था। उसको देखकर पहली नजर में प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इतना सामान अकेले ले जाते हुए देखना भी अच्छा नहीं लगा। सोचा पास जाके पूछ लूं कि मे आई हेल्प यू। मैं उसके पास गया भी, अपने करीब मुझको खड़ा देख के उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली, शायद मुझे कोई लोफर वगैरह समझ रही होगी। फिर उससे मदद के लिए पूछने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। मैं अपना एक बैग लेकर स्टेशन के बाहर आ गया।
सिर्फ 2 घंटे बाद वो फिर मेरे सामने थी। लाल रंग की हरे बॉर्डर वाली साड़ी में जब वो मेरे सामने आई तो एक बार लगा जैसे मैं खड़े खड़े कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन वो सचमुच मेरे सामने खड़ी थी। मेरी तरह वो भी राकेश की शादी में शामिल होने आई थी। उसने भी मुझको देखा, पहचान के चिन्ह भी उसके चेहरे पर उभरे, लेकिन फिर उसने अजनबी होने का मुखौटा ओढ़ लिया। अपने ख्यालों में जीवन साथी की जो तस्वीर मैंने बनाई थी, निशा उससे बिल्कुल अलग थी। न उसके अंदाज में वो नजाकत थी, न उसकी आंखें शर्म से झुकी रहती थी। अपने साथ आई दूसरी लड़कियों की तरह न तो वो बेवजह हंस रही थी, न उसकी दिलचस्पी अपनी तारीफें सुनने में थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व की यही मजबूती मुझको उसके नजदीक ले जा रही थी। संगीत की पूरी रस्म के दौरान मेरी नजरें लगातार उसी पर टिकी रहीं। इस चीज को राकेश ने भी नोटिस कर लिया था। निशा, बहन है मेरी, संभल के रहियो। राकेश ने मुस्कुराते हुए मुझको उसका नाम भी बता दिया, छेड़ा भी और एक मजाकिया सी धमकी भी दे दी थी। उसके बाद भी मैं कई बार निशा को देखता रहा, पर राकेश से नजर बचाकर। बारात निकलने को तैयार थी, राकेश घोड़ी चढ़ चुका था, बाराती नाचने लगे थे, सब वहीं पर थे, लेकिन निशा नहीं थी। सुधाकर, ये फूल गाड़ी में रखवा देंगे जरा? तभी पीछे से आवाज आई तो मैंने मुड़ के देखा, सामने निशा खड़ी थी। फूलों से भरा एक थैला मेरे हाथ में थमाकर और दूसरा अपने हाथ में लिए निशा गाड़ी की ओर बढ़ रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आप मेरा नाम जानती हैं? आखिरकार मैंने पूछ ही लिया। ऑब्वियसली, तुम राकेश के दोस्त हो और 2 दिन से यहां की सारी लड़कियां तुम्हारा नाम जप रही हैं। नाम तो जानना ही था, पर मैं उनमें से नहीं हूं। निशा मुस्कुराई। थोड़ा गुरूर था उसकी मुस्कान में, लेकिन मुझको बुरा नहीं लगा। निशा भी मेरी तरह याद शहर में ही नौकरी करती थी। हम दोनों के बीच बातें याद शहर से शुरू हुई और फिर बातों का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक साल गुजर गया था हमारी दोस्ती को। निशा के साथ मैं कंफर्टेबल था। उसके सामने अपनी कमजोरियां जाहिर करने में मुझको शर्म नहीं आती थी। मैं रात को अंधेरे में नहीं सो सकता, मुझको छिपकली से डर लगता है, या मासी के सामने मेरी जबान नहीं खुलती। ऐसी कितनी सारी बातें थीं जो मैं निशा को यूं ही बता देता था और जिनके लिए निशा मेरा मजाक नहीं उड़ाती थी। हम एक दूसरे को समझते थे। क्या हुआ, बॉस से फिर झगड़ा? कॉफी की जगह उसको कोल्ड ड्रिंक पीते देख के मैं पूछ लेता था। जानता था जब वो परेशान होती है तो बिना रुके कई कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। हम दोनों एक दूसरे की खुशियों की वजह थे, लेकिन कुछ परेशानियां भी अपनी जगह थीं। उस दिन शाम को याद शहर लेक के किनारे बने पार्क में निशा के साथ होते हुए भी मैं खोया खोया सा था। निशा अपनी आदत के हिसाब से हाथ से पार्क की दूब उखाड़ रही थी। 3 पत्ती वाला दूब ढूंढने की जैसे उसको सनक सी थी। और दिनों में उसकी इस हरकत पे हंसता था, लेकिन आज बात कुछ और थी। यार, तुम ये घास क्या उखाड़ती रहती हो हर समय? मैंने झुंझला के कहा। मूड खराब है, मासी का फोन आया था क्या? मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर निशा समझ गई थी। मैं आज शहर में अकेला रहता था, अच्छा कमाता था, लेकिन मेरी डोर मासी के हाथ में थी। पापा की मौत के बाद मासी ने ही मां का ध्यान रखा, उन्होंने ही मेरी पढ़ाई का जिम्मा उठाया था, लेकिन उनकी हर बात मानना मेरे लिए अब मुश्किल होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मां को अपने साथ याद शहर ले जाऊं, लेकिन मासी ने साफ मना कर दिया था, और मां को मासी के आगे किसी की कुछ सुनाई ही नहीं देती थी। परेशान क्यों हो रहे हो यार, अपनी मम्मी को थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हारी जरूर मानेंगी, आखिर मां है तुम्हारी, निशा ने कहा। पर मैं जानता था कि कितना भी वक्त गुजर जाए, मां कभी भी मासी की बात नहीं टाल सकती। मैं परेशान था, लेकिन निशा भी उस दिन कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। कोई बात थी उसके दिल में जो वो कहना चाह रही थी। कुछ कहना है? उसके हाव भाव देखकर मैंने पूछा। नहीं तो? निशा थोड़ी घबरा गई, फिर थोड़ी देर बाद अचानक खुद ही बोली, सुधाकर, शादी करोगे मुझसे? उसके हाथ अब भी दूब उखाड़ रहे थे। क्या क्या कहा तुमने? मैं सकपका सा गया। निशा के साथ दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसके आगे के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने।
पर दोस्ती की अगली मंजिल शादी हो सकती है, ये ख्याल भी बुरा नहीं था। मैंने निशा का चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। उसके गाल लाल हो गए, होठों पर शर्मीली मुस्कान लिए वो पार्क में उगी घास उखाड़ती रही। मैंने उसकी हथेली को थाम लिया, उसकी उंगलियों में फंसे घास के तिनकों को निकाला और हथेली पर लगी हुई मिट्टी को अपनी उंगलियों से पोंछने लगा। आई लव यू सुधाकर, निशा प्यार से मेरी ओर देखते हुए बोली। निशा के साथ गुजारे ये पल, साथ में हंसना, दिल की बातें शेयर करना, ये सब प्यार ही तो था। किसी लड़की ने मुझको प्यार का इजहार किया था, एक बहुत खास एहसास था मेरे लिए। जिंदगी एक फिल्म जैसी लग रही थी जिसका डायरेक्टर मैं था और उसका हर सीन जैसे मेरी मर्जी से लिखा जा रहा था। उस दिन निशा से मिलकर घर लौटा तो बहुत खुश था मैं। कई दिनों के बाद नूडल्स की जगह मैंने अपने लिए दाल चावल बनाया। उस दिन मैं बिस्तर पर गंदे कपड़ों के ढेर के बीच सिकुड़कर नहीं सोया, बाकायदा कपड़े उठाकर बाल्टी में बाथरूम में रख दिए ताकि सुबह बाई से धुलवा सकूं। अगले कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मां को निशा के बारे में बताना था, घबराहट तो नहीं लेकिन एक अजीब सी बेचैनी जरूर हो रही थी, इसलिए रोज की तरह मैं मां को फोन तो कर रहा था पर निशा के बारे में बता नहीं पाया। एक दिन शाम को सोफे पे लेटकर मैं टीवी पर कोई पिक्चर देख रहा था, तभी मां का फोन आया। मैंने टीवी की आवाज कम की और फोन उठा लिया। हेलो, हाँ मां, मैंने कहा। मां से बोल रही हूँ सुधाकर, जरूरी बात करनी है तुझसे, घर पर ही है ना? मासी की आवाज सुनकर मैं सोफे पे उठ के बैठ गया। मासी फोन पे नहीं देख सकती थी कि मैं टीवी लेट के देख रहा हूं, फिर भी इस बात पे उनसे इतनी बार डांट खा चुका था कि मैं लेटा नहीं रह पाया। हाँ मासी, मैं घर पे ही हूं, बताइए, मैंने कहा। पहले टीवी बंद कर, यहां तक आवाज आ रही है, मासी ने कहा, तो मैंने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। कहना तो चाहता था कि मासी अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, पर मासी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। जी मासी, अब बताइए। सुधाकर, अगले इतवार को कानपुर आ जा, हमने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। इतवार को तू लड़की से मिल भी लेना, साथ में सगाई भी हो जाएगी। मासी की बात सुनकर लगा जैसे आसमान से कोई उल्का पिंड सीधा मेरे सर पे आके गिरा हो। अब बात कहकर मासी फोन मां को पकड़ा चुकी थी। रिसीवर से मां की हेलो हेलो सुनाई दे रही थी और मैं फोन हाथ में पकड़े बुत जैसा बैठा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थोड़ी देर तक मां हेलो हेलो करती रही, फिर फोन कट गया। थोड़ी देर भौचक्के बैठे रहने के बाद मुझको होश आया और मैंने मां को दोबारा फोन लगा दिया। मां, मौसी क्या कह रही थी अभी? अरे मुझसे पूछ तो लेते एक बार, मैंने कहा। अच्छी लड़की है सुधी, दीदी के साथ मैं भी गई थी उससे मिलने। और वो, मां आगे कुछ बोले इससे पहले मैंने उसकी बात काट दी। मां, मैं किसी और को पसंद करता हूं, आप मासी को समझा देना, मैं अभी घर नहीं आ रहा हूं, मैंने कहा और फोन काट दिया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। एक और मासी की जिद थी, दूसरी ओर मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ था। हम दोनों के बीच मां पिस रही थी। मैं उनका इकलौता बेटा था और मौसी वो एकमात्र इंसान जिन्होंने पापा की मौत के बाद उनको सहारा दिया था। मैं सिर्फ 2 साल का था जब पापा चले गए। उनके पास न पैसे थे न वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मां ने मुझको किसी तरह कानपुर जाने के लिए मना लिया। बेटा, ऐसे रिसा के कैसे काम चलेगा, तू एक बार घर आ जा, हम दोनों मिलकर दीदी को मना लेंगे। निशा को मैंने सारी बातें अब तक बताई नहीं थी, वो बेकार ही परेशान हो जाती। कानपुर जाते वक्त भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। पूरे रास्ते मौसी के सामने रखने के लिए तर्क तैयार करता रहा। मौसी सख्त थी, किसी की बात सुनती नहीं थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तित्व की वजह से उनके भरे पूरे परिवार में मां और मुझको रहने की जगह मिल सकी थी। मौसी ने घर में दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी उतना ही ध्यान रखा था। बुरी नहीं थी वो, बस गुस्सैल थी। लेकिन मैं भी तय कर चुका था कि इस बार मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, चाहे उनसे रिश्ता तोड़ना ही पड़े। लेकिन मौसी के सामने जाते ही मेरी सारी हिम्मत जवाब दे गई, मेरे सारे तर्क हवा हो गए। देखो सुधाकर, अगर तू मुझको कुछ समझाने के लिए आया तो वापस लौट जा, 2 साल से तुझसे पूछ रहे थे ना,
कोई लड़की पसंद है तो बता दे। तब तूने बताया नहीं, अब मैं रमाकांत जी को हाँ बोल के आ गई हूं, मैं उनको मना नहीं कर सकती, बस। उन्होंने कहा और उठ के चली गई। मैंने कोशिश की, माँ ने कोशिश की, लेकिन मौसी बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। चार दिन हो गए थे, वो घर का सारा काम कर रही थी, आने जाने वालों से भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डाला था। उस दिन भी वो खाने के लिए नहीं आई। माँ अपने आप में खोई हुई रोटी का कौर सब्जी की कटोरी में मसल रही थी, न जाने कितनी देर से। मैंने एक बार उनको टोका, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनको वैसे ही सोच में डूबा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मासी ठीक नहीं कर रही है माँ, उनकी जिद के लिए मैं अपनी जिंदगी थोड़े बर्बाद कर सकता हूँ। उनको नहीं खाना है मत खाएं, भूखे मरना मर जाए। गुस्से में मैं बोल तो गया, लेकिन माँ के करारे थप्पड़ ने मुझको तुरंत जमीन में ला फेंका। माँ का थप्पड़ कितना तकलीफ देता है उस दिन पहली बार पता चला। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखें भरी हुई थी। मुझको वहीं छोड़ के माँ मासी के कमरे में चली गई। मासी से तो फिर भी मैं लड़ लेता, लेकिन माँ से लड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। नहीं जानता मैं कायर हूं या बेवफा, पर मैंने मासी की बात मान ली। निशा से जिंदगी भर साथ निभाने के वादे को मैंने SMS में बस दो अल्फाज लिख के खत्म कर दिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। इट्स ओवर, मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरी जिंदगी सब ओवर? नहीं, सब यूं ही खत्म नहीं हो सकता। मासी ने मेरी शादी जरूर करा दी थी, लेकिन मुझको रावी के साथ बंधे रहने पर वो मजबूर नहीं कर सकती थी। मैं जाने कितनी देर से यूं ही बालकनी में खड़ा अंधेरे को ताक रहा था, लेकिन मैं मासी को दिखा देना चाहता था कि जिद क्या होती है। एक फैसला कर लेने के बाद मैं बिस्तर पर आके लेट गया। सुबह रावी की आवाज से नींद खुली। गुड मॉर्निंग। चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए रावी ने अपनी सदाबहार मुस्कान बिखेरते हुए कहा। मुझे देर हो रही है, मैंने कहा और सीधे बाथरूम में घुस गया और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आ गया। अरे आपने बताया नहीं कि आप आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं? निशा ने मुझको तैयार देख के हैरानी से कहा, लेकिन मैं उसकी बात का जवाब दिए बिना तेजी से बाहर निकल गया। निकला तो ऑफिस जाने के लिए ही था घर से, लेकिन बेख्याली में मेरे हाथ बाइक को उन्हीं जाने पहचाने रास्तों पर मोड़ रहे थे जिन पर रोज का आना जाना था। और थोड़ी देर बाद मैंने खुद को एक बार फिर निशा के दरवाजे पर खड़ा पाया। मैं देर से निशा के दरवाजे पर खड़ा था। उसके दरवाजे के सामने रखे गमले का पौधा मुरझा रहा था, शायद कई दिनों से उसमें पानी नहीं पड़ा था। बड़े मुश्किल से मेरे हाथ घंटी की ओर बढ़े। घंटी की आवाज सुनकर निशा ने दरवाजा खोला। निशा की हर बात सुनने और सहने के लिए मैं तैयार होकर आया था। गुस्से में निशा मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर सकती है, इस बात का भी मुझको अंदेशा था। मुझको देख के उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो मेरे लिए अजनबी बन गई। न आंखों में गुस्सा था, न हैरानी, न खुशी, न नफरत। थोड़ी देर तक वो मुझको देखती रही और फिर पलट के अंदर चली गई। क्या वो मुझको अंदर आने के लिए कह रही थी? तो फिर कहा क्यों नहीं? क्या वो चाहती थी मैं वापस चला जाऊं? तो फिर उसने मेरे मुंह पर दरवाजा पटक क्यों नहीं दिया? असमंजस में खड़ा रहा मैं थोड़ी देर, फिर अंदर चला गया। निशा कमरे में इधर उधर फैली हुई चीजों को समेटने लगी। शायद कई दिनों से बिखरी पड़ी थी ये चीजें, कई दिनों के अनपढ़े अखबार, डायरी के फटे हुए पन्ने, मेरी और उसकी तस्वीर लगा एक कॉफी मग। मेरे जन्मदिन पर उसने ऐसे ही दो मग बनवाए थे, एक उसके टीवी के ऊपर फूलदान की तरह रखा रहता था और दूसरा मेरी अलमारी में। बिना मेरी ओर देखे निशा कमरा साफ करती रही, सारा सामान उसकी जगह रखती गई, लेकिन आज उसने कॉफी का मग टीवी के ऊपर नहीं रखा, उसको लेके अंदर चली गई रसोई में। अंदर से बर्तनों की खरड़ बरड़ की आवाज आ रही थी। उसने शायद चाय चढ़ाई थी चूल्हे पे, अब शायद फ्रिज से दूध निकाल रही थी। कितना कुछ बदल गया था इन 25 दिनों में। एक वक्त था जब निशा चाय बना रही होती थी
और मैं किचन के स्लैब पर बैठकर गप्पे मार रहा होता था। चाय पत्ती, चीनी, इलायची के डिब्बे उसको पास कर रहा होता था। मुझको अदरक पसंद नहीं थी, इसलिए निशा मेरे लिए सिर्फ इलायची वाली चाय बनाती थी। खुद पसंद ना होते हुए भी एक्स्ट्रा दूध चाय में डालती थी। सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक रिश्ता मुझसे सब कैसे छीन सकता था। पर अब नहीं, मुझको मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए थी और मैंने तय कर लिया था कि वो जिंदगी मैं फिर से हासिल करके रहूंगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं निशा के रसोई से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, तभी किचन से जोर की आवाज आई। रसोई तक भागा तो देखा चाय के दो कप स्लैब पे टूटे पड़े हैं। पूरे स्लैब और फर्श पे चाय बिखरी हुई थी, जैसे उसने चाय से भरे कप जानबूझ के तोड़ डाले हों। वो फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। टूटे कप का कोना चुभने से उसके दाएं हाथ से जरा सा खून बह रहा था। मैं भाग के उसके पास पहुंचा और उसका जख्मी हाथ थाम लिया। निशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, अब क्यों आए हो तुम, प्लीज चले जाओ यहां से। मैंने उसका हाथ फिर पकड़ लिया। वो अपना हाथ छुड़ाती रही, मैं पकड़ता रहा। मैंने तुमको कितने फोन किए, कितने मैसेज भेजे, तुमने जवाब भी नहीं दिया। रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार बात तो करते। वो कभी नाराज हो जाती, कभी चिल्लाने लगती। मेरे पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे होना है ये तो हम दोनों तय कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता निशा, मैं रावी को तलाक दे दूंगा, मैंने कहा तो वह हैरानी से मेरी ओर देखने लगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जब मनाया शादी कर ली, जब मनाया डिवोर्स दे दिया, तुम जाओ यहां से। वो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं थी। 2 महीने हो गए थे निशा से आखिरी बार बात हुए। कई बार उससे मिलने की कोशिश की, उसके ऑफिस के सामने, उसके घर जाकर, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। रोज की तरह आज भी मेरी रात करवटों की सीढ़ियां ही चढ़ रही थी। कई बार लगता है कि काश पुरानी गलतियां सफेद कागज पर लिखी पेंसिल की लकीरें होती, जिनको वक्त का रबर मिटा पाता। मैंने गहरी सांस लेकर बगल में सोई रावी की ओर देखा। उसकी लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। मेरा दिल मासी के लिए गुस्से से भर आया। मासी की जिद ने मेरे साथ रावी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, ये वो जानती थी। उसकी आंखें कहीं ये ना पूछ बैठे कि मैं उससे प्यार क्यों नहीं करता, इसलिए दिन के उजाले में भी मैं उससे आंखें नहीं मिलाना चाहता था। मैंने गलती की थी, गुनाह किया था, पर उस गुनाह की सजा जिंदगी भर निशा से दूर रहना हो, यह मुझको मंजूर नहीं था। मैंने रावी के चेहरे से नजरें हटा ली। तभी साइड टेबल पर रखे फोन पर किसी का मैसेज आया। कीपैड ऑन करके देखा तो निशा का था। मैं जानती हूं सुधाकर की यह गलत है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकती। कोई रास्ता है निशा? मैंने मैसेज कई बार पढ़ा, कई बार बगल में सोई हुई रावी की ओर देखा। सही क्या था, गलत क्या था, मैं नहीं जानता था। बस इतना जानता था कि इस वक्त मुझको निशा के पास होना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं अभी, मैंने मैसेज बॉक्स में टाइप किया और उसके घर की ओर रवाना हो गया। यह था इस कहानी का पहला पन्ना। इस कहानी का दूसरा पन्ना पलटूंगा कल, जब मैं सुनाऊंगा कहानी दूसरी मंजिल पार्ट 2।